फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का है और कौन फल का देने वाला होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। अदित्या इत्यस्य ऋषि स एव यज्ञो देवता निचृ जगति छन्दः निषादः स्वरः। ओम अदित्यैरास्नासि वैष्णोर्वैश्पोऽस्यूर्जे त्वादब्धेन त्वाचक्षुषावपश्यामि अग्निर्जिह्वासि सुहृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भवा यजुषे यजुषे। हे जगदीश्वर, जो आप पृथ्वी के रस आदि पदार्थों के उत्पन्न करने वाले हैं, हे व्यापक विष्णु, पृथ्वी आदि सब पदार्थों में प्रवर्तमान भी हैं और भौतिक अग्नि के जीव रूप हैं। विद्वानों के लिए जिनमें की वे विद्वान सुख रूप पदार्थों को प्राप्त होते हैं, जो तीनों धाम अर्थात स्थान नाम और जन्म हैं, उन धामों की प्राप्ति के और यजुर्वेद के मंत्र मंत्र का आशय प्रकाशित होने के लिए जो श्रेष्ठता से स्तुति करने के योग्य हैं, इस प्रकार के आपको मैं प्रेम सुख युक्त विज्ञान से पराक्रम पृथ्वी और श्रेष्ठ गुणों व स्थान नाम जन्म आदि पदार्थों की प्राप्ति और यजुर्वेद के मंत्र के आशय के जानने के लिए आपको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता हूँ। आप भी कृपा करके मुझको विदित और मेरे पूजन को प्राप्त होजिए। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ हुआ। अब दूसरा कहते हैं, जिस कारण यह यज्ञ अंतरिक्ष के संबंधी रस आदि पदार्थों की क्रिया का कारण है, यज्ञ संबंधी कार्यों का व्यापक आधार है, भौतिक अग्नि का जिह्वा रूप है और दिव्य गुण कीर्ति स्थान जन्म इनकी प्राप्ति और मेरे लिए यजुर्वेद के मंत्र मंत्र का आशय जानने के लिए अच्छी प्रकार प्रशंसा करने योग्य होते हैं। इस कारण इस यज्ञ को मैं सुखपूर्वक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ नेत्रों से देखता हूँ और उसे पृथ्वी आदि पदार्थ उत्तम उत्तम गुण पराक्रम स्थान स्थान और यजुर्वेद के मंत्र मंत्र में हित होने के लिए क्रिया की कुशलता से देखता हूँ। सब मनुष्यों को जैसे यह जगदीश्वर वस्तु वस्तु में स्थित है और वेद के मंत्र मंत्र में प्रतिपादित और सेवा करने के योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रति मंत्र से अच्छी प्रकार सिद्ध प्रतिपादित विद्वानों ने सेवित किया हुआ सब प्राणियों के लिए पदार्थ पदार्थ में पराक्रम और बल के पहुंचाने के योग्य होता है। वह यज्ञ कैसे पवित्र होता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है।